दोस्तों आज का वीडियो हमारा केवाईसी अपडेशन पे बेस्ड है। जब आप अपनी फाइटोसाइंस में कोई भी आईडी क्रिएट करते हो, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लेटिनम हो या फिर प्रीमियम, आपको हर आईडी में अपनी केवाईसी को यहाँ पर कंप्लीट करना जरूरी होता है। विदाउट केवाईसी आपकी यहाँ पे अर्निंग होल्ड हो सकती है, आपके साथ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जल्दी से जल्दी आईडी लगने के बाद सबसे पहला काम आप ये करें कि अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लें। केवाईसी के लिए आपको खास कुछ नहीं करना है, आपको केवल अपने आधार कार्ड की फ्रंट फोटो और आधार कार्ड के बैक साइड की फोटो और हाथ में आधार कार्ड पकड़े हुए एक सेल्फी जो कि एकदम क्लियर होनी चाहिए, ये तीन चीजें आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती हैं और इसके थ्रू आप अपनी केवाईसी को यहाँ पे बहुत ही आराम से करके अपना कंप्लीट बेनिफिट आप ले सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम अपने हाथ से अपनी केवाईसी को कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल से वन टू वन बात करेंगे। तो चलिए गाइज, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये काम मैं आपको लैपटॉप से करके दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये काम अपने मोबाइल से कर रहे हो तो भी मोबाइल से भी एग्जैक्टली उसी तरह से करना है जैसे आप लैपटॉप से करोगे। किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, बस मोबाइल में स्क्रीन थोड़ी छोटी दिखेगी, पोर्ट्रेट फॉर्मेट में दिखेगी, और लैपटॉप में स्क्रीन आपको थोड़ी सी बड़ी दिखेगी और लैंडस्केप में दिखेगी। तो चलिए सबसे पहले हमें जो काम करना है, हम अपना ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर ओपन करने के बाद हमें फाइटोसाइंस की वेबसाइट पर जाना है। अगर आपको पहले से पता है तो आप डायरेक्ट फाइटोसाइंस की वेबसाइट पर जा सकते हो, अदरवाइज आप अगर गूगल पर फाइटोसाइंस लिख करके टाइप करोगे तो भी आपके सामने वेबसाइट को ओपन करने का लिंक आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हो दूसरे नंबर पर iphyto.com करके वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आपको फिर से लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है। यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद हमें इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डालना है जो कि है UWXDNC और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपकी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। जितने भी पॉपअप मेन्यू आपको खुले दिखाई देते हैं आप उनको बंद कर देंगे। अगर एकदम फर्स्ट टाइम आप अपनी आईडी को लॉगिन कर रहे हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे, उनको आपको एक्सेप्ट कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी आईडी में अभी केवाईसी अपलोड नहीं है तो पर्सनल डिटेल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे ऊपर आईडी कार्ड फोटो अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, और अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा, सीधे एडिट प्रोफाइल से लेकर के नीचे के सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन ये आईडी कार्ड फोटो अपलोड का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केवाईसी इनकी कंप्लीट नहीं है, इस वजह से आईडी कार्ड फोटो अपलोड लिख करके आ रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आपको आईडी कार्ड फ्रंट, आईडी कार्ड बैक, प्रूफ ऑफ एड्रेस, फोटो सेल्फी, यानी आपको अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की फोटो यहाँ पे अपलोड करना है और सेल्फी वाली फोटो को अपलोड करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि फाइल का साइज 5 MB से कम होना चाहिए, फाइल का फॉर्मेट JPG, GIF या फिर PNG फॉर्मेट ही होना चाहिए, फाइल के नाम में स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से उन फाइलों को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फॉर KYC नाम के फोल्डर में मैंने डॉक्यूमेंट सेव करके रखे हैं। अभी आपको क्या करना है कि अपने आधार कार्ड की फ्रंट की फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद चूज फाइल में आकर के यहाँ पे बैक साइड की फोटो सेलेक्ट कर लेना है। फिर चूज फाइल में सेल्फी वाली फोटो को हमें सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अक्सर एक चीज मैंने देखी है कि ये फाइल यहाँ पे सीधे से अपलोड नहीं होती है, कोई ना कोई एरर आता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे फाइल सक्सेसफुल अपलोड नहीं हुई है। तो हम इसमें ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से अपने फाइल को अपलोड करेंगे। ये दूसरा तरीका क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अनसक्सेसफुल आईडी कार्ड अपलोडेड प्लीज ईमेल टू info@iphyto.com। हम क्या करेंगे कि इस ईमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। फिर हम अपनी जीमेल आईडी ओपन करेंगे। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें उसी मेल आईडी से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है जिस मेल आईडी से हमने आईडी को रजिस्टर किया है। उसके बाद हम यहाँ पे कंपोज पे जाएंगे और सबसे ऊपर अपनी मेल आईडी टाइप कर देंगे।
जो कि है info@iphyto.com। फिर सब्जेक्ट हम लिख देंगे केवाईसी अपलोड, और नीचे लिखेंगे माई यूजर नेम इज TDNAYESHA, यानी अपना यूजर नेम आप यहां पे टाइप करोगे और लिखोगे प्लीज अपलोड माई डॉक्यूमेंट एंड कंप्लीट माई KYC। उसके बाद हम यहां से उन तीनों फाइलों को अटैच कर देंगे। अटैच फाइल पर हमें क्लिक करना है, फिर हमें ये तीनों फाइलों को सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। तो ये तीनों फाइलें यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में भी सेम इसी प्रोसेस से ही करना है आपको, और उसके बाद आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद 24x48 आवर्स में आपकी KYC यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह से करके गाइज आप अपनी KYC को यहाँ पे बहुत ही आराम से अपलोड कर सकते हो। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप अपने स्पॉन्सर से बात कर सकते हो। अगर आप फाइटो साइंस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे हेल्थ या फिर वेल्थ किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कनेक्ट होना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों को कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हो। मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूं गाइज अपने एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।